नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपली शेट एंड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस ये करने वाला हूं कि बैंक अपना फाइनल नोटिस आपके पास कब भेजता है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि बैंक कब हमें फाइनल नोटिस भेजेगा, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये नोटिस कब आएगा ताकि हम अपने आप को अकॉर्डिंगली तैयार कर सकें। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ पर एक वीडियो बना देते हैं, इससे ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल जाएगी बजाय एक एक इंडिविजुअल को मैं कोई जानकारी दूँ। तो दोस्तों, को पूरी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। इसके लिए होता क्या है कि कभी भी अगर डिफॉल्ट आप करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो, तो ऐसी कंडीशन में शुरुआत आपके रिकवरी एजेंट्स की कॉल से होती है। तो कॉल से निजात पाने का उपाय क्या है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर कॉल्स आती है तो उससे निजात पाने का उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसी चैनल पर मिलने वाला है, और वो ये है कि आप सारे के सारे अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो ये आपके दिमाग में ऐसा डर डाल देंगे, ऐसी हिचकिचाहट, ऐसी टेंशन, ऐसी दुविधा डाल देंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अलोंग द वे मैं आपको ये भी बताता चलता हूं कि क्या वो करते हैं और आपको क्या करना है, ताकि ये वीडियो जो है आपको पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी दे पाए। तो जैसे ही आपको सबसे ज़्यादा कॉल करके परेशान करते हैं, उस कॉल को रोकने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी जानकारी होगी वो गलत होगी। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो एक ही उपाय है, फिर से रिपीट कर दूँ, कोई भी दूसरा वीडियो देखेंगे आपको कोई सही जानकारी नहीं मिलने वाली है, और मिले भी तो रिलीफ नहीं मिलने वाला है। जानकारी तो बहुत सारी मिल जाएगी लेकिन रिलीफ नहीं मिलने वाला है। रिलीफ आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा, और रिलीफ का तरीका क्या है, वो ये है कि सारे के सारे अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। इसके बाद जितनी भी कॉल्स आएंगी वो सारी की सारी एक बार रिंग होगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि ध्यान रखिए कि रिकवरी वालों को आपको रिकवरी वालों की भाषा में समझाना है, भैया पैसे नहीं है, दे दूंगा, थोड़ा इंतजार करो, घर में इमरजेंसी आ गई, ये बीमार है, वो बीमार है, समझो नौकरी नहीं है, जॉब नहीं, कोई नहीं सुनने वाला दोस्त, कोई नहीं सुनने वाला। और इसलिए रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स को ब्लॉक कर दीजिए। दूसरा, वो क्या करेंगे, आपके घर पर आकर परेशान कर सकते हैं। इसका भी मैंने बहुत अच्छा तरीका बता रखा है। अगर आप रेंटेड मकान में रहते हैं तो बधाई हो, बहुत सारी बधाइयाँ हो, आप अपने रेंटेड मकान को चेंज कर लीजिए। नहीं तो आपके घर पर आकर सोसाइटी में लोगों के सामने, आपके घर पर आकर, अगर आप घर पर नहीं होंगे तो आपके घर वालों को परेशान करेंगे, सबको परेशान करेंगे, आपको परेशान होना नहीं है। वैसे तो RBI का गाइडलाइन यही कहता है कि आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे कानून हैं और कानून तोड़ते हुए लोग रोज हैं, और इसलिए वो भी RBI के इस कानून को, RBI के इस गाइडलाइन को वो वायलेट करते हैं, आते हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हर तरीके से जो कर सकते हैं वो करते हैं। उपाय क्या है, अगर रेंटेड मकान में रह रहे हैं तो मकान को चेंज कर लीजिए, 5-7-10 किलोमीटर दूर चले जाइए, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप गए कहाँ हैं, कुछ महीनों के लिए सिर्फ। और अगर खुद का मकान है तो यहाँ दोस्त मैं बहुत ही आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, अटैचमेंट वाली बातें छोड़ दीजिए। अगर आपके घर पर वो आते हैं और अगर आपके घर पर आपका साथ देने के लिए वर्बली उनसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने के लिए अगर 8-10 लोग हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है दोस्त, तो भले वो आपका खुद का मकान हो, किराए पर चढ़ाकर कुछ समय के लिए चले जाइए, या फिर लॉक करके चले जाइए टेम्पोरली, और आपको लगता है कि ज्वाइंट फैमिली जा नहीं सकते तो आप जिसके नाम पर लोन है वो चला जाए 2-4-5 महीने के लिए कुछ दूर, बीच बीच में आता रहे, मिलता रहे, क्या दिक्कत है। परिवार वालों को परेशान नहीं कर सकते, परिवार वाले बोल सकते कि भाई कमाने के लिए कहीं बाहर गया, कहाँ गया, हमें पता नहीं है, सिंपल सी बात है, आप खोजो कहाँ गया है। तो ध्यान रखिए कि समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन आपको उनके साथ एक कम्युनिकेशन जारी रखना है। वो तरीका क्या है, वो तरीका यह है, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, कम्युनिकेशन को जारी रखने का तरीका है कि आप उनके साथ ईमेल के थ्रू टच में रहें, नहीं तो कल वो ये नहीं बोले फ़ोन बंद कर दिया, एड्रेस पर है नहीं, गायब हो गया, और उसकी इंटेंशन ही देने की नहीं है। अगर आप ईमेल के जरिए उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा विच विल बी अ प्रूफ दैट यू आर प्रोएक्टिवली निगोशिएटिंग विद देम एंड यू आर आस्किंग फॉर मोर टाइम। आप ईमेल करेंगे और उनसे अधिक से अधिक समय मांगेंगे विच दे विल नॉट गिव टू यू, यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग फॉर मोर टाइम, वो बिल्कुल आपको नहीं देने वाले, लेकिन मांगने से एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा। कल अगर आपके अगेंस्ट वो केस कर देते हैं या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखिए कि आप वहाँ पर उन्हें बोल सकते हैं कि भाई देखिए मैं नेगोशिएट कर रहा था, मैं कहीं भागा नहीं था, ये परेशान कर रहे थे, तो इसके वजह से मुझे कुछ समय के लिए इनके साथ सिर्फ कम्युनिकेशन 2 चैनल के थ्रू बंद करना पड़ा, एक तो होम विजिट और दूसरा फोन, लेकिन इसके बावजूद मैं इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा था ईमेल के जरिए एंड आई हैव द प्रूफ। आप ये बात उनको बोल सकते हैं। तो ईमेल के जरिए आपको उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखना है।
अब हम समझते हैं अगर आप उनको नहीं मिलते तो वो क्या करेंगे। आपको अलग अलग तरीके के वो नोटिस भिजवाएंगे वकील के थ्रू, बहुत सारी नोटिस आपके पास आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आने वाली होगी, डिमांड नोटिस आ सकता है, रिकॉल नोटिस आ सकता है, अलग अलग तरीके के नोटिस आ सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि वो आर्बिट्रेशन के लिए आपको बोले, यानी कि एक मध्यस्थ के थ्रू समस्या का समाधान करने के लिए बोले, या काउंसिलेशन के लिए वो अलग अलग तरीके के आपको ऑप्शंस दें, कई बार फ़ोन पर भी आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है तो फाइनल नोटिस कब आता है? फाइनल नोटिस जैसी दोस्त कोई चीज़ होती ही नहीं है, फाइनल नोटिस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत कब है? और समस्या यह कि फाइनल नोटिस नहीं है तो फिर मैं चिंता क्यों करूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत है। कहाँ? अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका ECS ऑन है, ऑटो डेबिट अगर आपका ऑन है, नैच अगर आपका ऑन है, और अगर वो बाउंस हो रहा है, तो तीन बाउंस के बाद ध्यान रखिए कि अंडर सेक्शन 25 आपके ऊपर केस किया जा सकता है कोर्ट में। और अगर आपने कोई ब्लैंक चेक दे रखे हैं तो चेक बाउंस करवा कर भी वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 138। और ये दोनों ही केस जो हैं, एक ECS बाउंस के लिए, एक चेक बाउंस के लिए, एक खतरे की घंटी आपके लिए। इससे पहले आपको बहुत सारे अवसर देंगे, लेकिन अगर आप अभी तक फिर भी पेमेंट नहीं कर पाए, आपके पास पैसा नहीं हो पाया है, अगर आपके ऊपर केस हो जाता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में आपको बेल लेनी होगी। और बहुत अधिक पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों ही केस जो होंगे आपकी सिटी के से बहुत दूर होंगे। उदाहरण के तौर पर मुंबई में रहते हैं तो केस हो सकता है कि कोलकाता में हो जाए, बैंगलोर में रहते हैं तो हो सकता है कि केस कोलकाता में हो जाए, मुंबई में रहते हैं तो हो सकता है कि केस आपके अहमदाबाद में हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए केस आपके सिटी के बाहर ही होता है। क्यों होता सिटी के बाहर? ताकि आप ज़्यादा परेशान हो, आप अटेंड नहीं कर सकें वहाँ की जो भी प्रोसीडिंग्स है, और उसके बाद आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इश्यू करवा दे। होता है, अगर कहीं किसी वीडियो में आपने देखा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेटलमेंट होता है, तो दोस्त ऐसी गलत फहमी में मत रहना। मैंने आपको पहले भी बता दिया, गलत एडवाइस आपको खतरे में डाल सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, जो ये कहते हैं कि भाई पर्सनल लोन का सेटलमेंट होता है, वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम तो कर ही सकते हैं, कम से कम केस तो कर ही सकते हैं, नहीं जाएंगे तो अरेस्ट वारंट इशू तो करवा ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि समस्या नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इफ़ यू ट्रस्ट दिस चैनल फॉर दैट, तो ध्यान रखिए कि यही फाइनल नोटिस है। यही फाइनल नोटिस है से मेरा मतलब क्या है? ये खतरे की घंटी, फाइनल नोटिस से मेरा मतलब खतरे की घंटी। एक्सेस कोई फाइनल नोटिस नहीं होता है, लेकिन अगर आपके ऊपर केस हो गया है, अगर आपके पास नोटिस आया है कोर्ट का, कोर्ट का नोटिस को कहेंगे सम्मन, अगर आपके पास सम्मन आया है तो उस सम्मन में आपको जाकर वहां की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना है। ध्यान रखिए आपको इमीडिएटली उस शहर में जाना है, वहां के लॉयर को लेना है, और उसके बाद आपको अपनी बेल करवानी है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। सरफेसी एक्ट के तहत अगर आपके पास कोई नोटिस आया है तो आप उसको भी इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो आपकी जा सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए सेक्शन 25 सरफेसी एक्ट के तहत जो नोटिस आपका आएगा, या फिर चेक बाउंस आपके पास जो भी नोटिस आएगा, खासतौर पर कोर्ट का नोटिस, तो इस तरह से बहुत सारे वकील भेजते रहते हैं, आप भले थोड़ा बहुत उनको इग्नोर कर दे चलेगा, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कोर्ट के नोटिस को आपको यानी कि समन को इग्नोर नहीं करना है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, और यही एक आपके लिए वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैसे तो आप इनका पैसा दे दीजिए, सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट करवा लीजिए, इसे ज़्यादा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कहीं गलत फहमी हो गई कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कुत्ते कुछ नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिए बैंक कर सकता है दोस्त, अगर आपने इनसे पैसे ले रखे तो इनके राइट्स हैं। ये अलग बात है कि बैंक इतनी जल्दी करता नहीं है, लेकिन नहीं करता है ऐसा भी नहीं है, मेरे व्यूअर्स मेरे क्लाइंट्स के ऊपर केस हुए हैं। तो ध्यान रखिए कि ऐसी किसी भी गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहिए। अगर आपने पैसे ले रखे हैं तो 7-8 महीने के बाद ये लगभग आपको सेटलमेंट ऑफर करना शुरू कर देते हैं, 1.5 साल होते होते लगभग ये आपको आराम से 70-80% तक का भी डिस्काउंट देते हैं, और बोलते हैं कि सेटलमेंट करवा लीजिए, मौका मिलता है अगर तो आप सेटलमेंट करवा लीजिए। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक कर देना है। इससे जब कभी भी कोई भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया है, होने वाला है, समय रहते अगर आप एडवाइस ले लें तो ज़्यादा बेहतर। या आपके पास कोई नोटिस आया, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ,
और कोई भी नोटिस नहीं है, आपको लगता है कि नहीं पहले ही सावधान हो जाना चाहिए मुझे, और ध्यान रखें कि हर इंडिविजुअल का केस अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। ये वीडियो मैंने बनाया है ये जनरल जानकारी है, सबके लिए है, लेकिन आपका केस थोड़ा अलग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम कल फंसे तो देखेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं फंसे उससे पहले देख ले तो ज़्यादा सहूलियत होगी। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वन ऑन वन, अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेजना है, आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा, और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इसके बाद जल्दी हम फ़ोन पर कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम बात कर पाएंगे। ध्यान रखिए, लेकिन ये एक पेड सर्विस है, अगर आपको फ्री एडवाइस चाहिए तो इसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअलाइज्ड डेडिकेटेड अटेंशन चाहते हैं, अपने लोन से कैसे आप छुटकारा पाए, आप ये समझना चाहते हैं आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लेकर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को ध्यान दीजिए, बाय बाय।